O moleque é evidente, não acho que foi desagradável. Assalamu alaikum, beautiful people! Aaj hum log ko topi hai Nawaz Sharif, Mia Muhammad Nawaz Sharif. So let's start. Gali gali mein shor hai Nawaz Sharif chor hai. जानते हैं इलेक्शन करीब आने वाले हैं और नवाज शरीफ के दिल की धड़कन तेज होती जा रही है कि वो जीतेगा या नहीं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नवाज शरीफ कितना करप्ट और घटिया बंदा है, कुछ लोगों का इसके बारे में कहना है। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है, ये तो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं नवाज शरीफ की सारी सच्चाई लोगों के पास आने के बाद भी लोग उसे ही वोट दे रहे हैं। अब ये देखें, कुछ लोग इस तरह के भी होते हैं। बेहतर ये है कि नून लीग ही आना चाहिए, चलो कुछ ना सही कुछ किया तो सही। जो इतनी करप्शन की है उसका क्या, उसका हिसाब भी खुद देंगे, अल्लाह है ना। हमें तो जो तो थोड़ा बहुत काम मिला सो मिला, बाकी जो करप्शन है वो हर इंसान करता है, छोटे तबके से लेके बड़े तबके तक कौन है जो करप्शन नहीं करता। नहीं, सारे लोग नहीं करप्शन करते, सिर्फ वो लोग करते हैं जो खुद करते हैं, फिर उन्हें लगता है कि सब करते हैं। आपने निकाला उसको, आपने निकाला नवाज शरीफ को, किसने निकाला? वोट तो आपने दिया था। ये लोग भी कितने अजीब है, एक चार दफा उन्होंने एक प्राइम मिनिस्टर ये को अपना बना लिया प्राइम मिनिस्टर, पांचवी दफा इस बार अगर वो जीत गया तो बन जाएगा। वो एक पर्चियों पर देख के तो बोलता है ना, उसके पास दिमाग है। ये कितने अजीब लोग हैं, मुझे क्यों निकाला। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। नवाज शरीफ ने माना है कि मुंबई हमले में पाकिस्तान का हाथ है। नवाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान में अब भी कई आतंकी संगठन सक्रिय हैं। तो 2008 का मुंबई हमला और उसमें पाकिस्तान का हाथ, ये बात मानी है नवाज शरीफ ने, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री। बहुत ही अहम हो जाता है ये खुलासा। अब बताओ यार, इसकी इस हरकत के बाद क्या करना चाहिए, इसको जूता बनना चाहिए। गली गली में शोर है नवाज शरीफ चोर है। टीम तुम बताओ, नवाज शरीफ ने हमारे मुल्क के लिए क्या क्या किया? नवाज शरीफ ने ये किया हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क किया। क्यूम तुम बताओ, नवाज शरीफ ने हमारे मुल्क के लिए क्या बनाया? मेट्रो और सड़क। हर दूसरे शख्स इंटरव्यू में यही कहता है। अब आप देख ले, जैसे इमरान खान को, उसने प्राइम मिनिस्टर ना होकर एक हॉस्पिटल बनाया जिसमें लाखों लोगों की जान बची, और लोग कहते हैं जब किसी से कोई पूछता है कि नवाज शरीफ ने क्या किया, लोग कहते हैं इमरान खान ने क्या किया, ही इज नॉट अ प्राइम मिनिस्टर बट यू गाइस विल मेक हिम आवर प्राइम मिनिस्टर इफ यू विल वोट हिम। इनको तकलीफ पहुंचेगी, मैं पहुंचाऊंगा तकलीफ इनको। अब आते हैं इनकी बेटी पर। इनकी बेटी एक पेन जैसी चीज, इस तरह अपने पाँव में गिरा कर लोगों को अपने पाँव में झुकाती है। अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह। पांचवी दफा भी वजीर आजम बनेगा, रोक सकते हो तो रोक लो। आ रहे हैं हम आपको रोकने। रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे, तू काल कर रब्तों का दे। रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे, आई पी टी आई रे। गली गली में शोर है नवाज शरीफ चोर है, गली गली में शोर है नवाज शरीफ चोर है। इनको तकलीफ पहुंचेगी, मैं पहुंचाऊंगा तकलीफ इनको। इंसाफ का, ईमान का, रोशन पाकिस्तान का, ये देखो पूरा हुआ जो ख्वाब था। वोट फॉर इमरान, वोट फॉर इमरान, वोट फॉर इमरान, हम बनाएंगे नया पाकिस्तान। नए पाकिस्तान की उम्मीद जगाई रे, रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई।
बच्चों का देता है दुहाई रे।